जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज हैं, आर क्रॉस पी, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है, एल वेक्टर इज आई, तो स्केलर है ओमेगा वेक्टर, या स्केलर फॉर्म में एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है टॉर्क की तरह। जिन क्वेश्चन में आर और पी गिवन होगा उसमें एल वेक्टर ऐसे निकलेगा, जिन क्वेश्चन में आई और ओमेगा गिवन होगा उसमें एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ऐसे निकलेगा। पॉइंट नंबर वन है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उलझा लेगा आपको वो कॉम्पिटिशन में, डायरेक्शंस में। तीन क्वेश्चंस आप ध्यान से समझ लो, तीन पॉइंट्स मेरे ध्यान से समझ लो, आपको डायरेक्शन में गलती हो ही नहीं सकती कभी भी। आपको पहले टाइप का डायरेक्शन में क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो ये बोलेगा कि चलो ये आपका पी वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, एक बॉडी के ऊपर ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, और ये मान लो थीटा है, तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो बोलो कहाँ होगी, बोलो कहाँ होगी एल वेक्टर, कैसे होगा? और आपको आता है बोर्ड पे आंसर, लेफ्ट राइट अंदर बाहर कहाँ, इनसाइड, ओके इनसाइड, परपेंडिकुलर एंड इनसाइड, परपेंडिकुलर टू व्हाट, आउटसाइड, ओके वेक्टर याद कर लो भाई, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल करवाई तो थी, हाथ लो आर क्रॉस पी, चार फिंगर आर के ऊपर रख दो, क्रॉस पी थंब का आएगा इनसाइड, आर क्रॉस पी इनसाइड, तो हाँ परपेंडिकुलर बिल्कुल होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन बोर्ड के इनसाइड है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्यों? चार फिंगर आर क्रॉस पी, वेक्टर का रूल तो बेसिक है, आई राइट से होता है, हमने किया था आई क्रॉस जे, केक होता था, भूल गए? वीडियो चेक कर लो, मैंने अपना यही हाथ यूज किया था, आर आई क्रॉस जे किया था। फिर से देखो, अगर मान लो इस बार दो वेक्टर ऐसे हैं, ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर है और ये थीटा, बोलो एल वेक्टर कहाँ है? चार फिंगर आर से शुरू करना है, आर क्रॉस पी होता है ना, तो चार फिंगर आर के ऊपर, ये रहा आर वेक्टर, क्रॉस पी थंब कहाँ आ रहा है? बाहर, तो यहां पर एल वेक्टर कैसे आएगा? आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्शंस गिवन होंगे, तो आप ये ना सोचें अब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे को डायरेक्शन आ गई, ऐसा नहीं है, आपको वो चार पी वेक्टर देगा, एक फिगर में तीन चार लगा के देगा वेक्टर, पी वन वेक्टर, पी टू वेक्टर, पी थ्री वेक्टर, पी फोर वेक्टर, और फिर कहेगा अब निकालो नेट एल वेक्टर क्या होगा, तो तुम्हें चार बार ये रूल लगाने पड़ेंगे, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, फिर देखना पड़ेगा बड़े में से छोटा क्या है, तब की तब देखेंगे, पर पहला रूल क्लियर है यहां तक? ये पहले टाइप की डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत आएगा, पक्का आएगा, कंपटीशन में बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर, क्योंकि देखो ना ये तो आप लगा ही लोगे आर क्रॉस पी, मेन प्रॉब्लम है वो इनसाइड आउटसाइड पूछेगा तो कैसे करना, समझ में आता है? दूसरा रूल समझ लो, दूसरा रूल सबसे आसान है, इसे सोचना ही कुछ नहीं है, वो कहेगा आर वेक्टर मेरे से ले लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मुझसे पी वेक्टर ले लो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, और कहेगा कि मुझे एल वेक्टर दे दो। ये तो बहुत आसान है, एल वेक्टर का फॉर्मूला क्या लगेगा? आर क्रॉस पी, बस तुम आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, वो मैट्रिक्स से बनाना आई माइनस जे के वाला क्रॉस प्रोडक्ट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी में क्या करना है इसमें, ये सबसे आसान है। तीसरा, तीसरा ध्यान से देखना, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको वो ये सिंपल एक चीज कहेगा कि मान लो एक रॉड है, इस रॉड के आसपास मैंने एक ये एक टायर है, टायर फिट कर दिया, ये लो ये रहा टायर, मेरे पास टायर भी पड़ा है, ये लो ऐसे ये रहा, और मैंने बहुत तेजी से, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने बहुत तेजी से इसको घुमाना शुरू कर दिया टेंजेंशियल फोर्स लगा के, ऐसे ये लो घूम रहा है,
इसके ऊपर मत जाना, मैं इसको कहीं भी मोड़ सकता हूँ, तो आंसर लेफ्ट है कि राइट है सोच के बोलना, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक सिंपल रॉड है, हिल नहीं रही, ये तो मेरा हाथ हिल रहा है, तुमने इसको ऐसे घुमाया बहुत तेज, ये टायर यहीं रहेगा या ये लेफ्ट जाएगा या ये राइट जाएगा। अच्छा चलो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने टायर को ऐसे घुमाया, इसका एल वेक्टर लेफ्ट होगा राइट होगा या यहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, ये टायर यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, नहीं लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। लो ये लो, मैंने ऐसे घुमाया है, मैंने ऐसे घुमाया है, अब कहाँ जाएगा, मैंने ऐसे घुमाया है, मेरा ओमेगा ऐसे है, इस तरफ जाएगा, ठीक है। इसी का मिलता जुलता एग्जांपल, बच्चे वो एक हेलीकॉप्टर सा एक स्टिक लगी होती है ऊपर, ऐसे तीन डंडे से लगे होते हैं, फिर वो ऐसे लेते हैं और स्टिक ऐसे करते हैं जोर की, और वो ऐसे उड़ता 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 जाता है, होता है ना, लेकिन उल्टा नहीं करते, वो ऐसे ही करते हैं हमेशा, जब तुम ऐसे फोर्स लगाते हो तो ऐसे उड़ता है। डोरेमोन तो देखते ही हो, उसके सिर पे भी लगा होता है हेलीकॉप्टर सा, वो भी तो ऊपर उड़ता ही है, मार्केट में मिलते नहीं ऐसे डोरेमोन, वो उड़ने वाले ऐसे ही होता है। हेलीकॉप्टर तो देखते ही हो, असली हेलीकॉप्टर, उसका पंखा देखो कैसे घूमता है और हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाता है, और तुम हेलीकॉप्टर का पंखा उल्टा नहीं घुमा सकते, हेलीकॉप्टर नीचे आ जाएगा, कुछ तो लॉजिक है ना। और लॉजिक सिंपल, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की तरह, जिस तरफ लीनियर मोमेंटम है उसी तरफ फोर्स है, जिस तरफ एंगुलर मोमेंटम है उसी तरफ टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर जनरेट होगा वहीं टॉर्क वेक्टर जनरेट होगा, और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। देखो जब आपने इसको ऐसे घुमाया, दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के, पहला तुम बस ओमेगा देख लो, शॉर्टकट है ये तरीका, तुम ओमेगा देख लो, ओमेगा कैसे है ऐसे, ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज, मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तुम चार फिंगर लो ओमेगा के साथ घुमा दो, थम देखो आपको स्टिक डायरेक्शन देगा हेलीकॉप्टर की क्या है, ये देखो तुम ऐसे घुमाते हो, तुम्हारी स्टिक ऐसे घूमती है, तुम चार फिंगर को ऐसे घुमाओ, देखो देख रहे हो हेलीकॉप्टर ऊपर गया, लेकिन अगर तुमने उल्टा घुमा दिया, चार फिंगर ऐसे घूमे आपके हाथ पे लगेगा, नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा। टायर का एग्जांपल लें, ये रहा टायर, तुमने कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो ओमेगा जब ऐसे गया तो एल वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो टायर घूम घूम के इधर आ जाएगा, और ऐसे जब तुम ऐसे घुमाओगे तो टायर घूम घूम के इधर आ जाएगा, राइट। और एक्चुअल तरीका, ये तो शॉर्टकट याद किया हुआ कि चलो ओमेगा ही बता देगा एल, एक्चुअल तरीका ये है कि जब तुमने इस हेलीकॉप्टर को ऐसे फोर्स लगाई थी टेंजेंशियल, तो एफ वेक्टर कहां पर है, इस तरफ, ये रहा एफ वेक्टर, आर ये इसका एक्सिस है, आर वेक्टर कहां पर है, इस तरफ, तो देखो आर क्रॉस एफ, एफ इधर है, आर वेक्टर रेडियस की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ, थंब कहां पर आया, ऊपर, तो ऊपर गया ये। अब ऐसे कौन करेगा ना हेलीकॉप्टर में आर क्रॉस एफ, बंदा कहता है जी ओमेगा घुमा दो, खत्म होगी बात, ये शॉर्टकट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि डायरेक्शंस कैसे देखी जा सकती हैं। वैसे एक्चुअल तरीका आर क्रॉस एफ है, जो आर क्रॉस पी है, जो कभी फेल नहीं होता, वो तो पता ही है, आर क्रॉस पी करोगे तो थंब ही आपको एल वेक्टर दे देगा। तो बाकी जब एग्जांपल्स आएंगे तब लगा के दिखाऊंगा, बट आपको डायरेक्शंस ऑफ एल वेक्टर क्लियर है कि कैसे निकल सकती हैं। और तभी तो मैंने लिखा था एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा वेक्टर, जिस डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर है, बोला था ना, ये देखो ऐसे थंब देगा आपको, थंब ऐसे, थंब के हिसाब से चलता है वो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तरीका है हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, ठीक है, ये पहला पॉइंट है।